नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राज किशोर पाणी आप मान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइव को। दर्शक बंधु, आप मान कर प्रश्न आपण मान कर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मान कर जति प्रश्न रहुची, समस्या रहुची, ताले स्क्रीन ने फ्लाश होता नंबर आपण आमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपंकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमती कि आप माने जानी प्रत्येक दिन आम किसी विषय उपर आलोचना करतमान समय विवाह उपर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपन को कमी मिल पार कौन अच्छी आपं जतक जग बहपी बहुत आपण बहुपाई कहीं विलंब हो लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज आपंकर फोकस रही से सब जिन को देखुं। मैरिज पर बहुत समय आपंकर कन्फ्यूजन आस समय प्रश्न आज को लेकिन अधिक आप चिंतित अच्छा केवे मैरिज हे मैरिज में कहीं विलंब हो मैरिज पार्टनर आपको कमी मिल पारे आपं स्वभाव को कमी मैच कर आपं पर से कमी बैलेंस करेंगे से सब प्रश्न को लेकिन आपण मन भितर अधिका कन्फ्यूजन हो सब जिन को लेकिन आलोचना करुँ कौन हो आप जतक जग बहपाई देखुं। लग्न आपं स्वभाव को देखापी आपं स्वभाव सहित स्वभाव कमी मैच कर देखुं लग्न मैचिंग सेकेंड हाउस आपंकर स्थान सेकेंड हाउस आपंकर कन्वर्सेशन हाउस केमती कथबार्ता करमती कम्युनिकेशन आप रखिपारे पर प्रत्येक सदस्य सहित। फोर्थ हाउस आपंकर मानसिक स्थिति मेंटल कंडीशन केंग अच्छी मेंटाली केप्पी अच्छा आप देखापी फोर्थ हाउस देखा जाए। सेवेन्थ हाउस आपंकर लाइफ पार्टनर केमती रही केमती बॉडी लैंग्वेज रमी लुक्स रमती आपंकर आटीच्यूड रहा ट्रेड केमती रही लाइफ पार्टनर को देखापी सेभेन्थ हाउस को देखा जाए। विशेषकर सेभेन्थ हाउस जमी प्लानेट इनफ्लुएंस रोचे से ही हिसाब से आपंकर लाइफ पार्टनर को स्वभाव ररित्र रिसाब से व्यक्ति विशेष से रे जड़े कलर जोड़ सहित कथ। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहतु क्या विषय जानवे भाई का जन्म तारीख सर 20 अक्टूबर 1990 सर 1990 समय कोंतु समय सर रात्रि 12:12 सर सकाळ हेले केत तारीख रहूची सकाळ हेले सर 21 तारीख होई सर। जन्म स्थान कोंतु जन्म स्थान बालेश्वर सर। ताती मैरिज विषय जानिया पई जाऊची सर और को दिगर घर रो को दिगर बाहागर हो और केबे हो सर जाने। ठीक अछि आज्ञा, मैरिज कुने की आपण जाने को चाहउचंती आपंकर लग्न रहूची कर्कट लग्न जेहेतु कर्कट लग्न रोचे जल तत्व लग्न आपंकर लग्नाधिपति चंद्र आप जेहेतु फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे आपंकर राशि रोचे विशाखा नक्षत्र तुला राशि 16/7 जेहेतु तुला राशि रोचे अधिका अनिष्ट अच्छा अधिका डेडिकेसन रोचे आपंकर प्रत्येक कार्य प्रति पर बहुत भल स्थित रोचे सपोर्ट बहुत भल मिल पार्टी आपण को कितु मानसिक अस्थिरता प्रत्येक समय लग रही मन भितर अधिका हरिनेस लग रही अधिका शीघ्रता आसूसी जहाँ भी डिसीजन नौकरी देखि चाहिए लाइफ डिसीजन नियंतु कहीं बहुत समय शीघ्रता जो कि ना कि नेगेटिव डिसीजन आपड़ नहीं जीवे कि फोर्थ हाउस आपंकर डोमेस्टिक हैप्पीनेस हाउस रे चारिटा प्लानेटर कंजक्शन हो शुक्र बुध सूर्य और चंद्र बुध और शुक्र अस्त रोचे अधिका स्ट्रगल करेंगे आप मैरिज लाइफ में कि वर्तमान समय जेहेतु मैरिज पर आप प्रश्न रोचे सेभेन्थ हाउस को फोकस करवा सेभेन्थ हाउस लॉर्ड शनि विलंबर काराग्रह शनि आप जातक इनफ्लुएंस करुच्ची सेभेन्थ हाउस को से जहाँ भी प्रोसेस करोजाखोजी कर देखुं मेरेजर प्रपोजाल ठीक भाव में आपण को आसी पारना प्रोसेस ठीक भाव में हो पारना जहाँ भी प्रोसेस होेष मुहूर्त में भांगी जबार अधिका संभावना रोचे आपं जातक वर्तमान समय नेगेटिव अच्छी मेरेज पर बहुत भल समय आपण 2022 मार्च परे परे 27 मार्च 2022 परे परे बहुत भल समय आर उत्तर पूर्व दिगर आपण को मैरेज हम मैरेज पार्टनर बहुत भल मिल पारे आपण को किंतु मैरेज पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर येलो सफेर पिंधतु एवं राइट हैंड रो लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु कहीं बहुत समय मानसिक अस्थिरता लग रही लाइफ में प्रॉपर्ली डिसीजन आप नहीं पार ना एवं वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारम सागर कुलोद्भवाम ये मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ सप्तशती चंडी में बहुत शीघ्र मैरेज हे बहुत भल मेरेज पार्टनर पाई आप ब्लैक कलर को टोटाली एवोड करूँ येलो कलर व्हाइट कलर ग्रीन कलर को अधिक यूज करूँ
ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। तो दर्शक बंधु आलोचना करछंती देखुछंती आप हरोस्कोपे कौन जग अच्छे विशेषकर वैवाहिक दाम्पत्य सुखपी कहीं आम विशेष भाव आलोचना करछंती आपंकर स्वभाव केमती रहुची, आपंकर कथाबार्ता केमती रहुची, मानसिक स्थिति आपंकर केमती रहुची, केमती पॉजिटिव मेंटालिटी आपण केते पॉजिटिवली नौछंती प्रत्येक कथा को, केते आपण संपर्क गढ़ुछंती, केते आपंकर कथा माध्यम रे संपर्क मध्य भांगुछंती, कौन होची आपंकर डिसीजन कैपेसिटी से लग्न को देखुंती केमती लाइफ पार्टनर आप पारे आपं जतक ही देखू सेभेन्थ हाउस केट्रंग अच्छी सेभेन्थ हाउस केमती ग्रहर प्रभाव रोचे से हिसाब से सेमती आटीच्यूड थी आपण लाइफ पार्टनर सहित मैचिंग करूँ एवं आग को प्रोसेस करूँ बहुत भल मेरेज लाइफ आपंकर हो पार आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो नमस्कार नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु पुओं जन्म तारीख 4 फरवरी 2015 ठीक अच्छे आज्ञा जतक देखा जेहेतु छोट पा रोच लग्न मीन लग्न रोच जेहेतु मीन लग्न रोच लग्नाधिपति बृहस्पति फिफ्थ हाउस बकरी अवस्था रोचे किंतु उच्च अच्छी आपंक राशि रोच कर्कट राशि आश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि आपणकर 9/4 जेहेतु कर्कट राशि रोच मानसिक स्थिरता अधिका रोजेक्शन पिला को अधिक रधिका फिकिल र पढ़ापढ़ी कनसेंट्रेसन पिला रखी पारना वर्तमान समय मध्य बुधर शनि चलती हेल्थ को लेकिन प्रत्येक समय उतार चढ़ाव लग रही पिला को अधिका थंडा रोचे अलसुआमी स्वभाव पिला रेहेतु भाग्य स्थान में शनि प्रभाव रोचे स्किन प्रॉब्लम पिला को रखि जनित प्रॉब्लम पिला को आसीज कि वर्तमान समय अधिका नेगेटिव अच्छी हेल्थ पर एजुकेशन आग को बहुत भल समय आसो एजुकेशन उत्तरोत्तर उन्नति पिला कर 2023 मे 14 मे 2023 समय बहुत भल आस पढ़ापी एवं हेल्थ को लेकिन जहाँ भी समय समय स्ट्रगल हेल्थ रे बहुत भल रु वर्तमान समय गोटे प्रतिकार आप करूँ प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग कंच क्षीर चढ़ातु पिलार नामगत सर्व बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसाद हीन भविष्य न संशय ये मंत्र ने 27 देव पिलार नामक उत्तर चढ़ात जहाँ भी स्ट्रगल करेल्थ को लेकिन जहाँ भी स्ट्रगल एजुकेशन को लेकिन बहुत भल पढ़ी पार अन्य एक प्रतिकार करूँ नेक रे मोन्टन लगेट करके पिंधात पिलार कनसेट्रेसन पिलार फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रोक ब्लाक कलर को टोटाली एवोड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल एजुकेशन कर पिला आउ जने कला जोडचन तांग सते कथा पा हेलो हेलो आगे कोन तो नमस्कार अच्छा कोन तो कोन जाने चाहौ छंती आपण एक्चुअली मु जीओ विषय जाने चाहौ छली तर जन्म तारीख 10/1/2005 10 जनवरी 2005 समय कोन तो 2:50 दिन की राति राति मतलब भोर सकाळ सकाळ हेले केत तारीख रहू छी 10 10 जन्मस्थान कौन तो? जन्मस्थान है न्यू दिल्ली। कौन जाने हो चाहो चुनती जियांग को विषय? Actually कहले तार की पढ़ा पढ़ी या अच्छा टीचर फीचर जाने जब। अच्छा अच्छा कौन पढ़ो ची पिला वर्तमान? ये प्लस टू फर्स्ट ईयर है वे पढ़ो ची तार की पढ़ा पाई ये ते कहले ये रोहू ने मन नटा अच्छा अच्छा ठीक अच्छे जहाँ भी प्रश्न रोचे आपंकर एजुकेशन को लेकिन आप चिंतित अच्छा किमती फ्यूचर रोज पिलार जानक चाहती आपड़ आपंकर लग्न रोच बिछा लग्न लग्नाधिपति मंगल लग्न पोजिशन रोच टेक्निकाल काराग्रह ऊर्जार काराग्रह लग्न जेहेतु पोजिशन रखुच्छे प्रत्येक कथार पिला अधिका स्ट्रेट फरवर्ड रधिका जुक्ति तर्क कर अधिका लजिक रख प्रत्येक कथार पिला राशि रोच धनुराशि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि रोच पिलार 20/9 मानसिक स्थिरता लगिक रोच अधिका फिकिल रोच कनसेट्रेसन पढ़ापढ़ी ठीक भाव रखी पार नहीं कहीं सेकेंड हाउस सूर्य चंद्र शुक्र और बुधर कंजक्शन
अमावास्या पाखापाखि पिला जन्म होइछि सेथिपई अधिक समय रे कन्फ्यूजन रहुछि पिलाको कन्सेन्ट्रेसन प्रॉपर्ली रखि पारु नै ओभर कन्फिडेंस अधिक आसी जाउछि मन भितरे जाबी पढ़ापढ़ी करुच्च प्रपर्ली फोकस करना जहाँ कन्सनट्रेट करना पढ़ापढ़ी बर्तमान समय नेगेटिव अच्छे एजुकेशन किसी ना कि प्रोजेक्शन रोचे किंतु आग को बहुत भल पढ़ीपर विशेषकर देखो 12 मार्च 2023 पर बहुत भल समय आसार फ्यूचर पर पिलार एजुकेशन बहुत पजिट रु किसी ना कि उत्तरोत्तर उन्नति पिला कन्सनट्रेसन में 22 एप्रिल 2022 पर ग्रेजुअली ग्रोथ कर पिला किंतु कन्सनट्रेसन ले करते विशेषकर देखो टेक्निकल सेक्टर में पिला पढ़ी पार इंजीनियरिंग सेक्टर में पढ़ातु बहुत भल फ्यूचर कर पिला किंतु फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो सफायर पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता कन्सनट्रेसन बहुत पजिट ब्लैक कलर को टोटाल एवोड करूँ रेड कलर व्हाइट कलर येलो कलर और ग्रीन कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई पिला आउ जने कलर जोड़ सहित कथा पा हेलो सर नमस्कार नमस्कार कौन तो का विषय जानिबे सर पुओ विषय के जाने को कौन तो पुओ को जन्म तारीख 14 दिसंबर 2003 समय कौन तो दिन 12:44 जन्मस्थान कौन तो जसपुर रोड कौन जाना चाहते पिला विषय सर से प्लस टू सेकेंड इयर पे पढ़ुची साइंस अच्छा तार से रिजल्ट केमती कोन रहइबो आउ सर से को लाइन ले गल्ले तापरे ठीके सक्सेस होबो कर्म पाइबो अच्छा 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 ठीक अछि ज्ञान जे अभी जाने को चाहते पिला रे एजुकेशन को नै कि पिला रे करियर को नै कि आपन जाने को चाहते लग्न रहउची पिला रो मीन लग्न जेतु लग्नाधिपति बृहस्पति एथिकल प्लैनेट बृहस्पति स्पिरिचुअल प्लैनेट मध्य बृहस्पति जेतु 6th हाउस रे पोजिशन होची बृहस्पति मध्य हेल्थ को रिप्रेजेंट करे जेतु 6th हाउस रे रोग स्थान रे लग्नाधिपति रो पोजिशन होची प्रत्येक समय हेल्थ को नेकी पिला स्ट्रगल करुची मानसिक अस्थिरता मध्य लागिक रहउची प्रॉपर्ली कंसंट्रेशन मध्य रखी पारु नाही पढ़ा पढ़ी रे अधिक स्ट्रगल करुची जहाँ भी पढ़ा पढ़ी करुची मेमोराइज करि पारु नाही अधिक परिश्रम करिया को पड़ी पिला को फ्यूचर बहुत भल अच्छे कहीं 10th हाउस रे बुध शुक्र रो कंजक्शन होची बुध आपंक जातक रे जेतु 4th हाउस लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड शुक्र सहित कंजक्शन करना कि लेजिनेस पिला को अधिक मात्रा रोचे आकस्मिक भाव में किसी ना कि घटना दुर्घटना शिकार पिला हो जाऊँगी अधिक मानसिक अस्थिरता रोचे ओभर कन्फिडेन्स आसी जाऊँगी जहाँ भी पढ़ापढ़ी करुच्ची अधारू छाड़ दौर बर्तमान समय नेगेटिव अच्छी आग को बहुत भल समय अच्छी पिलापाई 2022 सेप्टेम्बर पर 25 सेप्टेम्बर 2022 पर जहाँ भी एक्जामेसन लिख जहाँ भी पढ़ापढ़ी कर पॉजिटिव कर पार किंतु वर्तमान समय हेल्थ को लेकिन किसी ना कि उतार चढ़ाव लागिक रोचे कन्सनट्रेसन पिला लेक करुच्ची वर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे मून स्टोन पिंधतु मानसिक स्थिरता आपंकर फ्यूचर पर बहुत पजिट ब्लैक कलर को टोटाल एवोड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर और येलो कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाइपर पिला आउ जड़े कलर जोड़ सहित कथा हेलो कॉल टिकट हो दर्शक बंधु वर्तमान समय हो गए ब्रेक ब्रेक पर आलोचना जारी रखा ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु आलोचना कर देखुं आपंक जातक कौन जग अच्छे वैवाहिक दाम्पत्य सुख से देखुं एक सुस्थ वैवाहिक दाम्पत्य सुख देखुं लग्न केमती रोचे आपणकर स्वभाव केमती रोचे आपंकर डिसीजन कैपासीटी के स्ट्रंग रोचे मोराल के हाई अच्छी आपंकर कहीं मेरेज लाइफ में किसी ना कि डिसीजन जब आप ठीक नौले मेरेज लाइफ में बहुत भल बैलेंस हो पार बहुत समय आपड़ निजे ही किसी ना कि नेगेटिव डिसीजन नहीं जाती जोड़ा कि परिवार किसी ना कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करे आपको मैरिज पार्टनर संपर्क आपंकर खराब रहे से देखो लग्न के स्ट्रंग अच्छी लग्नाधिपति के शुभ प्रभाव रोचे जदि शुभ प्रभाव अधिक रोचे स्वभाव आपंकर पॉजिटिव रही लग्न लग्नाधिपति पापग्रह प्रभाव रोचे आप स्ट्रगल करेंगे स्वभाव में किसी ना कि चेंजेस आपन को आसो जदि समय आपंकर खराब चलती प्रेजेंटली दशा आपंकर नेगेटिव प्लानेटर दशा चलती तेल अधिका स्वभाव खराब रहा भी डिसीजन ने आप समय समय
ଖରାପ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ଉତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 2 May 1986। समय कहते कौन जाना चाहते विषय सर मुझे जाना चाहती एबे मोर कोन केमती समय चली छी आ आगे को फैमिली लाइफ केमती कोन रहइबो। अच्छा आ कोन केमती भलो मंदा के जाने उ ठीक अछि आ गया आप जहां भी जाने को चाहौ छथिन आपन को फ्यूचर के नेकी आपन चिंतित अछंती। आपन को लग्न रहउछि मीन लग्न, जे तो मीन लग्न रहउछि जल तत्व लग्न एवं एथिकल लग्न। अधिका भाव प्रवणता आपन को भीतर अधिका रहउछि, अधिका सेंसिटिवनेस रहउछि, अन्य को सहज ने विश्वास करि जाउ छथिन आपन, अधिका हरिनेस मन भीतर रहउछि। बहुत शीघ्र शीघ्र तो आसी जाऊँगी जहाँ भी डिसीजन नौचंती नेगेटिव नहीं जाऊँगी, नेगेटिव हो गला परे अधिका चिंता आसी जाऊँगी आपण को मन भितर। आपण को राशि रहुचि मकर राशि, जेहेतु धनिष्ठ नक्षत्र मकर राशि आपणकर, मकर राशि लॉर्ड शनि आप जातक जेहेतु भाग्य स्थान में बस नौ भाग्यर सपोर्ट आपन को मिल पार ना जहाँ भी आपड़ करने को चाहते लाइफ प्रॉपर्ली कर पार ना कनसेंट्रेसन अभाव रोचे आपंकर बहुत समय किसी ना कि ट्रेस आप डेवलप हो मानसिक स्थिति निजे ही खराब करु। आपंकर लग्न जेहेतु रोचे मीन लग्न, लग्नाधिपति बृहस्पति आपंक जातक जेहेतु स्ट्रंग अच्छी बहुत समय आपन किसी ना कि मैनेज कर पार्टी आपंक मानसिक स्थिति को एवं परिवार बहुत भल उत्तम बुझाणा आप पार लग्न में बुधर पोजिशन नौ कि मेन्टाली कनसेट्रेसन गोटे प्रतिकार करूँ रईट हेड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु और हेल्थ में किसी ना कि खराब रोचे आपंकर विशेषकर आपन को थायरॉइड जॉइंट पेन एवं पेट रिलेटेड समस्या आकस्मिक भाव में आसीज से गोटे प्रतिकार करूँ। वर्तमान समय रे राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे पाना पिंधतु एवं प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात आपंक नामकोत्र 27 दुब मध्य सर्व बाधा प्रशमन्नम त्रैलोकेश अखिलेश्वरी एवमेव तोया कार्यम मस्मद बैरी विनाशनम ए मंत्र में 27 दुब आप नामकोत्र चढ़ात बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपण को। आउ जड़े कल जोड़ कथा। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, कहतु क्या विषय जानवे सर? मुझे विषय जाना चाहती कहतु आप जन्म तारीख सर 29 March 1994। 29 March 1994 समय कहतु। समय 8:45 दिन की राती सकाळ सकाळ सर। जन्मस्थान कहतु। जाजपुर। कौन जाना चाहते आप विषय कैरियर विषय जाना कौन पढ़ापढ़ी कर वर्तमान सर? डिप्लोमा कर इंजीनियरिंग सर बीटेक कर। अच्छा वर्तमान पढ़ा सरी जाइए आप? आज्ञा। कौन जाना चाहते कहतु? चाकरी कर। अच्छा वर्तमान पर्यंत आपण चाकरी पाई नांती? नाही। ठीक अछि कॉन्ट्रॅक्टर हो गईए। ठीक अछि आज्ञा, आपण जहां भी जाने चाहौ छथि आपण सर्विस कुनी के अधिका चिंता करू छथि लाइफ रे मध्य केमती अचीवमेंट मिलिबो केमती परिश्रम आपण करिवे जाने को चाहौ छथि। आपक लग्न रहउछि वृष लग्न, वृष लग्न जेतु रहउछि पृथ्वी तत्व लग्न, प्रत्येक समय आपण फिजिकल लेबर अधिका करिवे लाइफ रे अचीवमेंट पाई काकरा लग्न उपरे केतुर प्रभाव रहउछि। 10th हाउस रे शनि बुध मंगल रो कंजक्शन होउछि। आपंक राशि जो देखा राशि रोचे तुला राशि स्वाति नक्षत्र तुला राशि रोचे आपणकर 15/7 अधिका जस्टिस रोचे मन भितर सॉफ्टनेस मन भितर अधिका रोचे आपंक जातक गज केसरी जो क्रिएट होची अधिका अनेस्टी आपंक मन भितर रोचे बहुत शीघ्र अन्य को सहज रे विश्वास कर मन भितर अधिका शीघ्रता आसुची। शीघ्रता जो किसी ना किसी डिसीजन आप लाइफ रे नहीं जिबे जोटा कि आपंक नेगेटिव हो जिबो। वर्तमान समय देखा बृहस्पति चंद्र चली पॉजिटिव समय चलती किंतु थंडा रिलेटेड समस्या आपन को प्रत्येक समय लगिक रोचे हेल्थ को लेकिन आप स्ट्रगल वर्तमान समय जोटा कि कंटिन्यू करुच्चे आपंकर हेल्थ पर 2022 December पर्यंत हेल्थ को लेकिन उतार चढ़ाप लगिक रोचे विशेषकर थंडा रिलेटेड समस्या आपन को डेवलप होती वर्तमान समय एजुकेशन आपंकर सर्विस
ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷିନୀ ବେହେରା। ସାର, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୋର 2016 ସରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର, 24 ଅକ୍ଟୋବର 1996। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ପାହାନ୍ତିଆ, ମାନେ ଭୋର ସକାଳ 3 ପରେ ଜନ୍ମ। ସକାଳ ହେଲେ କେତେ ତାରିଖ ରହୁଛି? 3 କେତେ କୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, 3 ପ୍ରେସିଅର। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ ହେଲେ କେତେ ତାରିଖ ରହୁଛି? 24 ତାରିଖ ହବ କି 25 ତାରିଖ ହବ? ନା, 24 ତାରିଖ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବରହମପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ପଢ଼ିପାରୁନି କି କିଛି ବି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରୁନି। କିଛି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯେହେତୁ ରହୁଛି ମୀନ ରାଶି, ଜଳତତ୍ଵ ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରହୁଛି, ବଡି ପେନ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେ ଲୋକ। ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ହେଲ୍ଥରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। 11 ଜୁନ୍ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଧିକା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ୟେସ୍ ନୋର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, କରିବେ କି କରିବେ ନାହିଁ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଅପରଚୁନିଟିର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ୟେଲୋ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲ୍ଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ବିବାହ ପରେ କେତେ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ, କେତେ ଖୁସି ରହିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 4th ହାଉସ୍ରେ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ସେହି ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଅଧିକା ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯଦି 4th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଗ୍ରେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଉର୍ଜାର କାରାଗ୍ରହ, ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଖରାପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ
ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ, ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଉତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବୁଧର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ। ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପଜିଟିଭଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କେମିତି ସୁଖ ମିଳିପାରିବ, କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।